मुझे दया आती है शिवराज उर्फ मामा उर्फ मामू पर, जो पूरे दुनिया को मामू बनाए हुए है, मुझे उस पर दया आती है। और संगत का असर अब मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर दिखने लगा है, नज़र आने लगा है कि मामू का कितना असर ज्योतिरादित्य हो रहा है, संगत का असर है भाई। है आज हम कबीर जी के आश्रम में खड़े हुए हैं। हाँ, मैंने कहा है और स्वीकार करता हूँ, मैंने कहा है। ये कोई लालच लोभ नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि निर्दलीय फॉर्म भरता है तो मेरी जवाबदारी जिम्मेदारी कि उससे मैं प्रार्थना करूं कि आप विड्रॉ कर लीजिए। उसकी शिकायत थी मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना है वार्ड का। तो मैंने कहा नगर निगम चुनाव आएंगे तो लड़ाएंगे तेरे को, तो इसमें क्या हो गया? सत्य है, सही है, सही है। और आज फिर से कहूंगा मैं सत्य, मैं कभी कह के पलटता नहीं हूँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान सामने आया, उन्होंने कल आरोप लगाया कि भगवा आतंकवाद के नाम पर उनको सताया गया, फंसाने की कोशिश हुई थी, कांग्रेस का षड्यंत्र था कि भारत को जो है आतंकी राष्ट्र बना दे। आप जानते हैं मैंने प्रज्ञा जी पर आज भी तक हमला नहीं किया है। प्रज्ञा जी को गिरफ्तार किस सरकार ने किया? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गिरफ्तार किया। किसने जेल भेजा? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जेल भेजा। तब तो सरकार कांग्रेस की थी नहीं। फिर प्रज्ञा जी शिवराज जी के बारे में क्यों नहीं कहती कुछ बात? वो आप पे आरोप लगाती है, आपको राष्ट्रघाती बता रही है कि आपके सामने झुकेंगी नहीं। मैंने तो झुकने के लिए कहा भी नहीं।